गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स चलिए क्लास एट ओपन योर बुक्स आज हम पार्ट चार गीता के दो श्लोक इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे पहला प्रश्न है गीता में कौन किसको उपदेश दे रहा है तो बच्चों इतना तो आप जान ही गए हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं दूसरा प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने युद्ध करने से क्यों मना कर दिया क्यों मना किया था अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को युद्ध करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि युद्ध के मैदान में अर्जुन के सामने सभी सगे संबंधी खड़े थे जिन्हें देखकर मोह के बंधन में पड़कर जो अर्जुन थे वो हताश एवं निराश हो गए थे और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया था थर्ड प्रश्न है मनुष्य का अधिकार किस में है और किस में नहीं तो बच्चों आप अच्छे से जान गए होंगे कि मनुष्य का अधिकार तो केवल कर्म करने में है और मनुष्य द्वारा किए गए कर्म के फल की प्राप्ति में अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं अत हे मनुष्य तू केवल कर्म करने का अधिकारी है निष्काम भाव से अपना कर्म कर गीता में भी कहा गया है कर्मण्यवादी कारस्ते माफलेशु कदाचन प्रश्न चार श्लोक में शरीर और आत्मा को कैसा बतलाया गया है श्लोक में शरीर को क्या बताया गया है नश्वर और आत्मा को नित्य एवं शाश्वत बताया गया है अर्थात आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने कपड़ों को उतार या बदल लेता है ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी शरीर बदल लेती है नया शरीर धारण कर लेती है गीता के एक श्लोक में भी कहा गया है वासांसी जीर्णानी यथा विहाय यही वाला श्लोक आप आगे इसको ऐड कर देंगे नवानी गृह गृह नाती नरो उपरानी तथा शरीरानी विहाय जीर्णान्यानी संयाति नवानी देही प्रश्न नंबर पांच युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय के क्या क्या कर्तव्य होते हैं युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अपने सगे संबंधियों से मोह आदि ना करे बल्कि सच्चा एवं वीर सपूत बनकर देश की रक्षा करे और शत्रुओं का नाश करे यही एक सच्चे देशभक्त का कार्य है शब्दार्थ हैं आगे वो मैंने आपको पहले करवा दिए हैं और लेसन में भी दिए हुए हैं ठीक है तो इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना चलिए अगले कालांश में फिर मिलेंगे तब तक इस पाठ को अच्छे से रिवाइज करें थैंक यू वेरी मच